स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम कुछ नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और बिल्कुल ट्रिक से। वो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आप देखते ही उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है? बस आपको वो ट्रिक आना चाहिए। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाए कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72, तो आप इस तरह के प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे? देखिए, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी भी इस टाइप का प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है? इस टाइप का प्रश्न इसमें पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी उम्मीद किया जा सकता है कि इस टाइप के प्रश्न को आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे करेंगे? देखिए, करना क्या है, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न देखे ना, तो आप नीचे वाले का फैक्टर इस तरीके से कीजिए कि इन सभी में डिफरेंस समान आना चाहिए। इस तरीके से फैक्टर करना है कि इन सभी का जो डिफरेंस है, अंतर जो है, वो समान आना चाहिए। अब देखिए, 2 को अगर हम तोड़ दें तो 1/2 लिख सकते हैं और इसका डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। हमने 6 को क्या तोड़ा? 2/3 में तोड़ा, तो इसका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। आगे हम बढ़े, 12 का हमने फ्रैक्शन किया, इसको गुणनखंड किया, 3/4, इसका भी डिफरेंस 1 आ रहा है। फिर हमने क्या किया, 20 का 4/5 में किया और इसका भी डिफरेंस 1 आ रहा है। यानी आगे भी 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9। देखिए, इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे ना, तो इसी तरीके से मिलेंगे कि यहाँ पहला पे खत्म होगा, दूसरा पे शुरू होगा, खत्म होगा शुरू होगा, खत्म होगा शुरू होगा, खत्म होगा शुरू होगा, इस तरीके से जाएगा। और जो भी अंतर है, अंतर यानी कि जो भी डिफरेंस होगा, वो अगर 1 का डिफरेंस चलेगा तो सभी में 1 ही चलेगा, अगर 2 का डिफरेंस चलेगा तो सभी में 2 ही चलेगा। डिफरेंस समान होना चाहिए और डिफरेंस भी समान रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ये चीज आपको रखना है दिमाग में। 1/(Small Value - 1/Large Value) यानी कि बड़ा, 1/(Small Value - Bigger Value) यही होता है अंतर। 1/(Small - 1/Big) यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है? वही हमने इसको कहा है कि 1/(Difference - 1/(Small - 1/Large). अब देखिए, डिफरेंस हमारा क्या है, 1 है, तो 1/(Difference - 1) और स्मॉल वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉल वैल्यू हमारा ये है, जो शुरू होगा वो स्मॉल वैल्यू होगा, तो 1/(1 - लार्ज वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे है, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 9 है, तो 1/9। 1/1 यानी इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा, तो 1 - 1/9 यानी 9 - 1/9 यानी कि 8/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हमेशा इस केस में हमेशा आपको ये चीज को याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है ये चीज। चलिए, इस पे कुछ और भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा और भी क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान क्या होगा? देखिए, इसका क्या मान होगा, देखिए, हमने क्या कहा अभी कि नीचे वाले का इस तरीके से फैक्टर कीजिए कि डिफरेंस जो है सभी में समान आना चाहिए। अगर 1-1 आ रहा है तो 1-1 आना चाहिए, 2-2 आना चाहिए, तो सभी का डिफरेंस जो है वो समान आना चाहिए। हमने यहाँ कहा, यहाँ पे 3 दिख गया हमको, इसको हम 1/3 में तोड़ देंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे 2 डिफरेंस आ रहा है। अब इसका डिफरेंस क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 3/5 में, तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। 5/7 किए, यहाँ भी हमारे पास 2 डिफरेंस आ गया। 7/9 किए, ये हमारे पास 2 डिफरेंस आ गया। 9/11 किए, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस 2 आ गया। और 11/13 किए, हमारे पास 2 डिफरेंस आ गया। तो अब हम यहाँ क्या लगाने वाले हैं, हमने अभी पढ़ा है कि
कि वन बटा डिफरेंस, वन बटा डिफरेंस इंटू वन बटा स्मॉल वैल्यू माइनस वन बटा लार्ज वैल्यू, यही हमने पढ़ा है। बस कुछ नहीं करना है, डिफरेंस हमारे पास क्या है, सभी का डिफरेंस दो है, डिफरेंस क्या है सभी का दो है, तो एक बटा दो, स्मॉल वैल्यू हमारे पास क्या है तो एक है, तो एक बटा एक, माइनस लार्ज वैल्यू क्या है तो तेरह है, तो एक बटा तेरह, मामला खत्म। अब इसको हल कर देंगे, यहां से हो जाएगा एक बटा दो गुने ये आपका तेरह माइनस एक, तेरह माइनस एक बटा तेरह, तो यहाँ क्या बच गया एक बटा दो गुने बारह बटा तेरह, ठीक है, बारह बटा तेरह, दो से बारह कट गया छह बार में, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया छह बटा तेरह हमारे पास आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक आप जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बटा एक इंटू चार प्लस एक बटा चार इंटू सात प्लस एक बटा सात इंटू दस, एक बटा दस इंटू तेरह, एक बटा तेरह इंटू सोलह, इस तरीके से प्रश्न। देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से प्रश्न दिया रहता है तो आदमी घबरा जाता है। क्या घबरा जाता है कि ये डॉट है, ये क्या है, पॉइंट है या गुना है, तो इस चीज को समझिए, ये आपका गुना है, इसका सिंबल क्या है, डॉट दिखाया है, ये गुना का चिन्ह है, क्या गुना का चिन्ह है, इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। तो चलिए अगर आप इसको सही से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि इसमें डिफरेंस आपको सीधे नजर आ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तीन है, एक और चार में डिफरेंस तीन है, चार और सात का डिफरेंस तीन है, सात और दस का डिफरेंस तीन है, दस और तेरह का डिफरेंस तीन है, और तेरह और सोलह का डिफरेंस तीन है, ठीक है। तो क्या आप लगाइएगा एक बट्टा डिफरेंस इंटू वन बट्टा स्मॉल वैल्यू माइनस वन बट्टा लार्ज वैल्यू। ये मैं बार बार इस चीज को इसलिए लिख रहा हूं कि आप बार बार देखिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इस तरह के प्रश्न को हम एक बटा डिफरेंस इंटू वन बटा स्मॉल माइनस वन बटा लार्ज वैल्यू के हिसाब से करेंगे। स्मॉल वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला वैल्यू जो शुरू होता है, जो शुरू होता है वो स्मॉल वैल्यू हो जाता है, और जिसपे खत्म होता है वो क्या हो जाता है, लार्ज वैल्यू हो जाता है, यानी कि बड़ी संख्या हो जाता है। डिफरेंस हमारे पास क्या है, डिफरेंस हमारे पास तीन है, तो एक बटा तीन, वन बटा स्मॉल वैल्यू हमारे पास वन ही है, तो वन माइनस लार्ज वैल्यू क्या है सोलह है, तो एक बटा सोलह। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बटा एक माइनस एक बटा सोलह को हल करेंगे तो ये आ जाएगा एक बटा तीन, ये सोलह कम सोलह माइनस एक क्या आ जाएगा पंद्रह बटा सोलह, ये तीन से पंद्रह कट जाएगा पांच बार में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पांच बटा सोलह हमारे पास आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इस तरह के प्रश्न को आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक बटा नौ प्लस एक बटा तीन प्लस एक बटा पंद्रह प्लस एक बटा पैंतीस एक बटा तिरसठ प्लस एक बटा निन्यानवे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो बोलेंगे ये एक बटा नौ यहाँ पे है, उसके बाद तीन है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं कर रहा, जहां से वो प्रोसेस फॉलो करता है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर एक गुना तीन इसको लिख सकते हैं, इसको हम तीन गुने पांच लिख सकते हैं, इसको हम पांच गुने सात लिख सकते हैं, इसको हम सात गुना नौ लिख सकते हैं, इसको हम नौ गुना ग्यारह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये जैसा है इसको हम वन बटा नौ को वैसे ही लिखे रहते हैं, सारा मामला इसमें करके इसमें एक बटा नौ जोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस कितना है, दो का डिफरेंस है, इसमें दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस और दो का डिफरेंस, तो हमारा काम हो गया, फॉर्मूला वही लगाएंगे, एक बटा डिफरेंस इंटू एक बटा स्मॉल माइनस लार्ज वैल्यू, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां से इतना पार्ट वाले का काम कर लेते हैं, तो डिफरेंस कितना है, तो दो है, एक बटा दो, स्मॉल वैल्यू एक है, माइनस लार्ज वैल्यू ग्यारह है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्यारह माइनस एक यानी कि एक बटा दो गुने दस बट्टा ग्यारह, ये हो जाएगा दो पांच दस यानी कि पांच बट्टा ग्यारह। अब देखिए इतना पार्ट का मान हमारे पास पांच बट्टा ग्यारह आ गया, तो एक बटा नौ को पांच बटा ग्यारह में जोड़ देंगे, ये एक बटा नौ को हमने छुपा लिया था कि भाई तुम्हारे साथ हम बाद में काम करेंगे, पहले इसके साथ काम कर देंगे ताकि ये हमारे पास इजीली निकल के आ जाए। एक बटा नौ प्लस पांच बटा ग्यारह जोड़ेंगे, चलिए नौ गुना ग्यारह होता है, ये हो जाएगा ग्यारह
और 11 9 5 45 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 1 6 4 5 56 बट्टा 99 हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। तो 56 बट्टा 99 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पे 2 माइनस 1 बटा 3 इंटू 2 माइनस 3 बटा 5 2 माइनस 5 बटा 7 ऐसे ही जाएगा, 2 माइनस 997 बटा 999 तक जाएगा। तो इसे कर देखिए आप जब देखिएगा ना, तो यहाँ जो खत्म हो रहा है यहाँ जो खत्म हो रहा है यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ जो खत्म हो रहा है वो यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ जो खत्म होगा यहाँ से शुरू होगा, इसी तरीके से जाएगा कि यहाँ जो खत्म होगा वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। बात को समझिएगा। और देखिए एक और चीज यहाँ देखिए, इन दोनों के गैप में इन दोनों 1 बटा 3 3 बटा 5 5 बटा 7 ऐसे ही जब जाइएगा तो 997 999 में 2 का गैप आ रहा है, ये चीज भी यहाँ देखिए। तो हम इसको क्या करते हैं, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या क्या करेंगे, 2 माइनस 1 बटा 3 को अपने 3 दूनी 6 माइनस 1 बटा 3 यानी कि 5 बटा 3 होगा, यही होगा 5 बटा 3। अब यही देखिए 5 दूनी 10 माइनस 3 तो 7 बटा 5 होगा। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 बटा 3 गुने ये आपका 5 दूनी 10 माइनस 3 7 बटा 5 गुना 7 दूनी 14 माइनस 5 यानी कि 9 बटा 7 ये आ रहा। इसी तरीके से ऐसे जाइएगा तो 999 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 1998। क्या आ जाएगा, 1998 में से आप 997 घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 1001। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1001 बट्टा 99 999 तो 1001 बट्टा 999। अब देखिए ये ऐसे करता जाएगा जाएगा 5 से 5 कट जाएगा 7 से 7 कट जाएगा तो एक ऐसे संख्या आएगा कि 9 से 9 कटेगा 11 से 11 कटेगा 13 से 13 कटेगा, एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ 999 होगा और ये 999 999 को काट देगा। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1001 और यहाँ बच जाएगा 3 और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरह का प्रश्न आपको आ रहा है, अगर आप ये वाला देख लेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5 बटा 3 यानी कि जो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है जो जिसका हर में आ रहा है वो तो यहाँ नीचे ऐसे कर, जैसे का तैसे रुक जाएगा, और यहाँ जो आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है जो 1001 वो आपका 1001 बच जाएगा। ये ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ 999 बटा कुछ आएगा जो इसको 999 को काट देगा और यहाँ 1001 बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।